हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो बिहाइंड द विकेट विद मोइन खान। मैं हूं आपका होस्ट फैसल इलियास। आज है 3 फरवरी 2018। डेट इसलिए बता रहा हूं कि आज का दिन 3 फरवरी बिलोंग करता है इंडियन अंडर 19 टीम को, बिकॉज चौथी बार इंडिया की टीम वर्ल्ड चैंपियन बनी है और अनबीटन साइड बड़े 60 विकेटों से ऑस्ट्रेलिया जैसी स्ट्रॉन्ग साइड से जीती है, विच एक्चुअली टेल्स अस कि इंडियन फ्यूचर कहाँ जा रहा है। हमने देखा है कि उनकी इंटरनेशनल टीम भी ODI में साउथ अफ्रीका को हरा रही है और अंडर 19 टीम की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस से आज का दिन ऑब्वियसली उनको जाता है और उनका फ्यूचर हमें दिखता है कि कितना ब्राइट है। हमारे राइवल सही, हमारी दुश्मनी सही ग्राउंड पे, लेकिन उनकी इस परफॉर्मेंस को क्रेडिट देना बिल्कुल बनता है। हमारे साथ हैं शो पे मोइन खान साहब। आपका कोई तारुफ के मोहताज नहीं है आप, और जैसे मैंने कहा बड़ी फतह है इंडिया के लिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि एक क्रिकेटर राहुल द्रविड़ जैसा, जिसने इतनी अच्छी क्रिकेट खेली, इतने हार्डवर्किंग क्रिकेटर, उन्होंने अपने करियर में कभी वर्ल्ड कप नहीं उठाया, लेकिन इट्स अ यू नो स्वीट स्टोरी फॉर हिम टू लिफ्ट द कप विद अंडर 19 टीम एज अ कोच। ऑफकोर्स अ ग्रेट मोमेंट ऑफकोर्स फॉर हिम एंड फॉर द एंटायर नेशन एंड द टीम। ऑफकोर्स अनबीटेबल रहे, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, और बड़े मैच में बड़ी टीम को मारा, इससे पिछले बड़े मैच में पाकिस्तान को मारा, टोटल अनबीटेबल रहे, इस अनबीटन रहे इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर। आई थिंक इट शोज द कैरेक्टर्स ऑफ द प्लेयर्स के कितने स्ट्रॉन्ग थे बिकॉज ऑफ राहुल द्रविड़। उनकी प्रेजेंस में आई थिंक एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है इंडिया का, और राहुल द्रविड़ ने भी जो चैलेंज लिया था, वो जो कबूल किया था इंडियन क्रिकेट बोर्ड से, उसको प्रूव किया उन्होंने कि वो ही कैन डिलीवर, और प्लेयर्स ने पूरा रिस्पॉन्ड किया। फुल क्रेडिट गोज टू इंडियन क्रिकेट अंडर 19 बिकॉज कि उन्होंने रिस्पॉन्ड वैसे ही किया जो कोच की एक्सपेक्टेशंस थी, और कहीं भी कंप्लेसेंट नहीं हुए पूरे टूर्नामेंट में। क्लियरली नजर आया, चाहे वो फील्डिंग हो, चाहे वो उनकी बॉलिंग हो, चाहे वो उनकी बैटिंग हो, मैच्योरिटी नजर आई है, एक इंथुजियाज्म, एक एनर्जी नजर आई इन बच्चों के अंदर जो कि इस लेवल के ऊपर। स्टीलिंग द शो फॉर इंडिया, मोइन भाई ने देखा इन टीम में, जो इंडिया की टीम में एक खास बात जो देखी जाए वो ये कि इतने सारे प्लेयर्स थे, उसमें से एक्शन रिपोर्ट होता है, ही इज अ वेरी गुड प्लेयर व्हेन ही इज बॉलिंग एंड बैटिंग बोथ, लेकिन जब वो सिर्फ बैटिंग करते हैं तो उनकी यूटिलिटी कम हो जाती है। अगर ये प्रॉब्लम्स उनके अंडर 19 लेवल पे या डोमेस्टिक लेवल पे अगर सॉर्ट आउट हो जाए तो शायद ये प्रॉब्लम्स में ना देखने पड़े। 100% होनी चाहिए, अनफॉर्चुनेटली हम करते ही हैं, हमें प्रॉब्लम ही इस वजह से आई थी 2015 के वर्ल्ड कप में। सईद अजमल और हफीज जिस वक्त आउट हो गए थे बॉलिंग से, हफीज खेल तो रहे थे, टीम का हिस्सा तो थे, बट टोटली बैन लग गई थी। सईद अजमल इतने बैट्समैन थे नहीं कि उनको टीम में रखा जाता, टीम में नहीं थे वो, अपनी बॉलिंग की वजह से ही टीम में आते थे, तो बड़ा धचका लगा था पाकिस्तान क्रिकेट को, दो इतने टॉप बॉलर। आई थिंक इस लेवल के ऊपर ये चीज़ें आइडेंटिफाई जब हो जाएंगी, जिस तरह आपने कहा, बहुत ही ज़रूरी है आइडेंटिफाई होना, ताकि आपको पता हो कि आपका टैलेंट क्या है, आपको किसको फ्यूचर स्टार बनाना है पाकिस्तान के लिए और किसको मॉनिटर करना है। फरहान साहब है हमारे साथ दोबारा लाइन पे। फरहान भाई क्या सवाल है, क्विकली पूछे प्लीज। जी भैया सवाल। वालेकुम सलाम। सवाल ये कि अभी मोइन खान साहब बैठे हैं, उनको बहुत सलाम। वालेकुम। उनसे पूछने की है कि पाकिस्तान की टीम ने न्यूजीलैंड में जो वनडे की सीरीज हारी है, उसकी क्या वजह है उनके ख्याल में? ठीक है, आपका जिस तरह प्रिसाइज क्वेश्चन है, प्रिसाइज जवाब है कि हम कंप्लेसेंट थे, और कंप्लेसेंट इस वजह से थे, मेरा ख्याल है फियर था, हम उन कंडीशंस में तैयार नहीं थे, प्रिपेयर नहीं थे, जिसकी वजह से उस न्यूजीलैंड की टीम ने भरपूर फायदा उठाया, आपको बाउंसर्स की, आपको बैकफुट पे कर दिया, अर्ली ऑन नए बॉल का अच्छा इस्तेमाल किया और विकेट्स ली। और अगर हम फेयरलेस होते, थोड़े से स्ट्रांग होते, प्रिपेयर्ड होते, तो यकीनन आपने देखा जब थोड़ा सा एक्लेमटाइज हो गई टीम, तो हमने T20 में बड़ा अच्छा कमबैक किया। तो आई थिंक यही वजूहत मुझे नजर आई। आई थिंक दिस इज राइट आंसर, बिकॉज और ऑब्वियसली हम हारे हैं, एक बड़ी शिकस्त है न्यूजीलैंड में, लेकिन ओवरऑल सिनेरियो में देखा जाए, उस अंडर 19 की परफॉर्मेंसेस को कनेक्ट किया जाए, तो हमें दिख रहा है कि देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी हैव टू करेक्ट इन यू नो आवर प्लानिंग। छोटे से ब्रेक पे जाएंगे, वापस आकर हम अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं मोइन भाई के साथ।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक ऑन बिहाइंड द विकेट विद मोइन खान. वी हैव विद अस ऑफ कोर्स पाकिस्तान्स टेस्ट कैप्टन मोइन खान विद अस. अब हम बात करेंगे शो में पाकिस्तान की प्रीमियर लीग, पाकिस्तान सुपर लीग, जो दुनिया में सेकेंड लार्जेस्ट व्यूड लीग है, उसका तीसरा एडिशन शुरू होने वाला है 22 February से UAE एंड पाकिस्तान में. 21 मैचेस UAE में प्लान हैं, 3 मैचेस पाकिस्तान में भी प्लान है, और सबसे ज़्यादा कराची हाइट्स के लिए खुशखबरी की बात कि पाकिस्तान के नेशनल स्टेडियम, कराची के नेशनल स्टेडियम में उसका फाइनल होगा. उस पर हम पूरी बात करेंगे, लेकिन आज जो है हम सबसे पहले बात करना शुरू करेंगे हमारे मोइन भाई की, जिनके वो कोच हैं टीम क्वेटा ग्लेडिएटर्स, जिसका सबसे अच्छा विनिंग रेशो है. मोइन भाई, कैसे देखते हैं इस PSL 3 को, जो ड्राफ्टिंग हुई है, जो प्लेयर्स हैं, केविन पीटरसन जैसा प्लेयर अभी भी आपके साथ है, शेन वॉटसन जैसा इंक्लूजन हुआ है, हाउ डू यू सी दिस? देखिए, बहुत ही आउटस्टैंडिंग टीम सेलेक्ट हुई है, एंड इट वाज अ थॉट प्रोसेस बिहाइंड इट, बिकॉज के जब भी हमारी ड्राफ्ट से पहले जब भी हमारी मीटिंग हुई है, तो बड़े कंसेंसस के ऊपर हमारे फैसले हुए हैं, जिसमें जब भी किसी भी प्लेयर का नाम रखा गया है सामने, तो रेडिली एक्सेप्टेड, बिल्कुल यानी तैयार होते थे दूसरे. यही वो अच्छी चीज़ है कि हमारा अच्छा होमवर्क रहा है एज ए टीम. हमारी टीम भी इसी वजह से अच्छी बनी है. नो डाउट कि हम दो फाइनल आ रहे जरूर हैं, बट दो फाइनल में पहुंचना भी बहुत बड़ी बात है. आई थिंक इट वॉज अ ग्रेट ग्रेट एटमोसफियर दैट वी इंजॉयड, नॉट एज अ कोच ओनली कि मैंने, बट हमारे प्लेयर्स ने भी बहुत इंजॉय किया है. एंड इन द प्रेजेंस ऑफ द लेजेंडरी सर विवियन रिचर्ड्स, आई मीन के जिस तरह का वो एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं, जिस तरह का माहौल रखा हुआ है उन्होंने, एक एक बच्चे को पुश करना, आपने देखी है उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, तो वो जो चीज़ है ना, वो पूरा लिफ्ट करती है पूरे फैमिली को. तो यही है कि हमारा कैंप बड़ा हमेशा खुश रहता है और नज़र आता है, बिजी ग्राउंड के अंदर भी, ऑफ ग्राउंड भी नज़र आ रहा था कि जो बैठे हुए होते हैं डग आउट के अंदर भी लड़के, वो भी पूरी तरह इन्वॉल्व होते हैं, कहीं इधर उधर कोई हंसी मजाक नहीं हो रहा. सही बात, फुल इन्वॉल्वमेंट के साथ, तो मजा आ रहा होता है. मेरे ख्याल में एक डग आउट में जब वसीम अकरम और उनकी इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम को देखने में मजा आता था, तो दूसरा सबसे ज्यादा जो हम इंजॉय करते थे वो क्वेटा ग्लेडिएटर्स का डग आउट को करते थे. फुली इन्वॉल्व, फुली एंथुजियास्टिक एंड अमेजिंग, यू नो, ओवरऑल सेटअप. हमने एक सब पैकेज क्रिएट किया है क्वेटा ग्लेडिएटर्स को लेकर. आपने बिल्कुल सही कहा कि दो फाइनल्स में पहुंचना एक ऐसी टीम को जिसको अंडरडॉग कहा जा रहा था टूर्नामेंट का, और अब इतनी बड़ी टीम बन के सामने आई. और हम, मुझे तो शायद ये भी लगता है कि पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस की भी एक वजह ये थी कि द काइंड ऑफ पैशन एंड एनर्जी सरफराज हैड फ्रॉम दिस क्वेटा ग्लेडिएटर्स, वो रिफ्लेक्ट हुई आपके चैंपियंस ट्रॉफी में. एक पैकेज देखते हैं, मजीद बात करते हैं क्वेटा ग्लेडिएटर्स. राइट, दिस इज हाउ द शॉर्टर फॉर्मेट इज, कि जो टीम लगता है अंडरडॉग होगी वो सबसे बेस्ट टीम है PSL की. ऑल दो फाइनल नहीं जीते हैं, लेकिन दो फाइनल्स में पहुंचना और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देना इज कमेंडेबल. बिल्कुल, अगर रेशियो वाइज देखा जाए तो सबसे बेस्ट, बड़ा जबरदस्त रेशियो है हमारा, और यही वजह है. आई थिंक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी टीम की फॉर्मेशन में, जब भी आप कोई चीज़ कंपोज करते हैं, अपनी टीम बनाते हैं, आपको देखना पड़ता है कि आपके प्लेयर्स के आपस में अंदर कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो साथ खेले में, जिनकी अंडरस्टैंडिंग है, चैलेंज कर सकते हैं. यही वो चीज़ थी, हम पहले दिन से लेके चल रहे हैं. और अभी भी जब हमने इस दफ़ा भी टीम बनाई, और जो न्यू इंडक्शन हुए, शेन वॉटसन ऑलरेडी इन लीग्स में दो साल खेल चुका है, अनफॉर्चुनेटली उनके लिए कि इस्लामाबाद उनको रिटेन नहीं कर सके, बिकॉज दे हैड टू लीव वन प्लेयर, लाइक विच वी हैव डन, लाइक हम ना चाहते हुए अहमद शहजाद को हमें छोड़ना पड़ा, यू नो, जस्ट बिकॉज के छठी टीम आ गई थी. तो यहाँ पे आप ना चाहते हुए अपने उन कुछ प्लेयरों को आप खो गए, लेकिन दूसरी टीमों को फिर फायदा भी हुआ. एब्सोल्युटली, हम शेन वॉटसन का इंडक्शन, ड्राफ्टिंग पे एक बड़ा मेरा सवाल है कि आपकी लूजिंग टीम है क्वेटा लाहौर कलंदर्स, जो सबसे लोएस्ट रैंक पे थी पिछले साल, उसको ऑप्शन था कि हर जो प्लेयर की पिक है वो उससे स्टार्ट हो रही थी. कितना बुरा था वो, लेकिन इस पे मोइन भाई आपका पॉइंट लेंगे ब्रेक के बाद. व्यूअर्स, वी हैव टू गो फॉर अ स्मॉल ब्रेक. व्हेन वी कम बैक वील आस्क मोइन भाई अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, कि ये ड्राफ्टिंग का जो सिनेरियो था वो कितना सही था और उसमें कितनी चेंजेस होना जरूरी है. खुशामदीद आफ्टर द ब्रेक ऑन बिहाइंड द विकेट विद मोइन खान. ब्रेक पे जाने से पहले हम पाकिस्तान की प्रीमियर सुपर लीग PSL के बारे में बात कर रहे थे. पाकिस्तान में क्रिकेट की सबसे बड़ी लीग और दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट व्यूड लीग है, और उसमें कुछ टीम्स ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया है, चाहे उनको शुरू में अंडरडॉग कहा जा रहा था. आज हम जिस टीम को इवेलुएट कर रहे हैं वो क्वेटा ग्लेडिएटर्स है, हमारे मोइन भाई जिसके कोच हैं. किसी और टीम को सबसे पहले इवेलुएट नहीं कर सकते, तो परफॉर्मेंस वाइज भी सबसे बेस्ट टीम है, तो बनता है उनको सबसे पहले इवेलुएट की जाए. मोइन भाई, हम ब्रेक पे से पहले हमने एक सवाल आपसे किया कि जो ड्राफ्टिंग में प्लेयर्स की पिक हो रही थी, उसमें ये हो रहा था कि जो आपकी पिछले साल की सबसे लो
हमारे साथ क्वेटा ग्लेडिएटर्स के कोच हैं। मोइन भाई, एज अ कोच कैसा लगा आपको कि हमारे कौमी टीम के कप्तान इस सॉन्ग में है ही नहीं? कौमी के साथ साथ वो क्वेटा ग्लेडिएटर्स के क्वेटा ग्लेडिएटर्स के भी कप्तान है। नहीं है जरूर, पर मेरा ख्याल है कि जब भी जिसने भी कंपोज किया, आई थिंक इस एंगल को वो मेरा ख्याल है कि भूल गए, फोरसी नहीं किया इसको, भूल गए मेरा ख्याल है, ओवरलुक कर गए। करना चाहिए था, बिकॉज के सरफराज आपका T20 का कप्तान है, T20 में आपकी टीम नंबर वन है, तीनों फॉर्मेट का और है, तो तीनों फॉर्मेट लेकिन फॉर्मेट में भी क्वेटा ग्लेडिएटर का कप्तान है, जिसने जिसकी कप्तानी में दो दफा क्वेटा ग्लेडिएटर फाइनल में पहुंची है। कंट्रोवर्सी है जरूर, बिल्कुल होनी चाहिए, और आई थिंक चेयरमैन ने यकीनन इसका जो है वो क्वेश्चन जरूर किया होगा उन रेलिवेंट लोगों से जिन्होंने ये वीडियो बनाई है, जिसमें जो मुझे सुनने में मिला वो ये है कि शायद सरफराज अवेलेबल नहीं थे, बट इट्स नॉट दी क्वेश्चन कि सरफराज अवेलेबल नहीं थे, उनको कहीं भी कहते कोई भी क्लिप जरूर डालने चाहिए थे, उनके पिक्टोरियल व्यूज कुछ ऐसे डाल देने चाहिए थे वीडियोज इसके अंदर, बट उनका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था जो कि नहीं हुआ। आई थिंक नजम सेठी साहब को टास्क करना चाहिए कि क्यों नहीं हुआ और होना चाहिए, और अब भी के अगर गलती का एहसास होता है पीसीबी को तो आप तो व्हाई नॉट आप अभी कर सकते हैं, और देन यू शुड एडमिट कि हाँ हमसे गलती हुई, हम ओवरलुक कर गए इसको, सो नाउ वी आर पुटिंग सम क्लिप्स ऑफ सरफराज आल्सो। सही है। मुझे वन लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेस शो के वी हैव सीन दैट पीएसएल हैज ग्रोन बिग, पहले साल से दूसरे साल में बहुत ऊपर गई, लेकिन एक्सपेक्टेशन बहुत कम थी शुरू में, ऐसा था कि इतना सक्सेसफुल शायद ना हो, बट यू नो सारी चीज़ें हुई और सक्सेसफुल हो गई। डू यू थिंक इट विल ग्रो दिस ईयर इवन बिगर, या आपको लगता है कि 100% देखें हाँ। पाकिस्तान का पूरी दुनिया में जहाँ भी नाम है, पाकिस्तान एक बहुत ही मल्टी टैलेंटेड किस्म की नेशन है, यहाँ पे हर तरह के माशाल्लाह फील्ड के लोग जो है टॉप लेवल पे गए हुए, तो हम क्यों नहीं ये सोचे, बिल्कुल और ग्रो करेगी और बड़ा ये दरख्त होगा और फल होंगे, और जो कि इवेंचुअली अल्टीमेटली पाकिस्तान क्रिकेट को वो फल मिलेंगे इन टर्म्स ऑफ द प्लेयर्स लाइक शादाब जैसे प्लेयर हमें मिले, इतने बड़े बड़े प्लेयर्स मिले, हसन अली हमें मिला माशाल्लाह, फहीम अशरफ मिला है हमें, ये सारे प्लेयर्स हैं और ये आगे मिलते रहेंगे। एब्सोल्युटली, तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, और जिसमें हमने बिल्कुल अज्यूम किया था एज ए क्रिकेटर कि अगर ये प्रोडक्ट बन गया तो ये बहुत बड़ा प्रोडक्ट होगा, और ये हकीकत है। आज सेकंड मोस्ट व्यूड लीग है IPL के बाद अगर देखा जाए, जिसकी फॉलोइंग इतनी ज़्यादा है, तो आई थिंक कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी प्लेयर्स के लिए और एज अ पाकिस्तान हम सब बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम यहाँ पे जितना भी इसमें कंट्रीब्यूट कर सके, इसको ग्रो कर सके, हमारे मुल्क का और हमारा ही फायदा। दिस मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस फ्रॉम अ स्टार लाइक मोइन खान, के ये हम सब के लिए बहुत बड़ा प्राउड, इतनी बड़ी लीग हो गई है, सेकंड लार्जेस्ट व्यूड लीग इन द वर्ल्ड है, और हम उम्मीद करते हैं कि जो 22 फरवरी से ये लीग शुरू हो रही है, हम मजीद पे अपने शोज पे इस पे बात करेंगे, उम्मीद करते हैं कि ये और बड़ी लीग हो और उससे हमें शादाब खान, हसन अली, फहीम अशरफ जैसे और प्लेयर्स मिलें जो हर फॉर्मेट में पाकिस्तान का नाम रोशन करें। हम आपसे अगले हफ्ते मिलेंगे दोबारा बिहाइंड द विकेट विद मोइन खान में, सो कीप वॉचिंग आज न्यूज एंड बिहाइंड द विकेट, वी विल सी यू नेक्स्ट वीक।